किया शिरकिया ना, रोका शिरकिया ना, शिरकिया ना। जैसे मुकर्र ने यह कहा कि यह पढ़ा जा सकता है मुसीबत का, क्या नादेय मजहर अजाई तजीद औन लग फिन्नाई कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अली या अली या अली। ये ना दे, ये रुके शिरकी है, शिरकी है। या कहो इसका पुकारो अली को ना दे अली ना दे राजू ना दे आम है ना दे पुकारो अली को जो अजाइब का मजार है। बहुत सारे अजाइब का मजार है, अजाइब का मजार तजीद हो और अल्लाह का फिर ना आई। अगर तुम अली को मुसीबत में पुकारोगे तो मुसीबतों में तुम्हारे लिए मददगार बनकर आ जाएंगे, तुम उनको मददगार पाओगे। हम बिन सैन जली हर अंधेजार हर गम दूर हो जाएगा। कैसे जिसमें शिर्क ना हो, अल्फाज कैसे भी, इसका मतलब अल्फाज का असर होता है। एक के हरकीज होता है, हरकीज जानते हैं, हरकीज उसको नमला बोलते हैं, नमला बोलते हैं हरकीज। वो बारीक बारीक कैसे दाने होते हैं बदन के ऊपर आ जाते हैं, खासतौर से कमर के ऊपर, और ऐसा लगता है जैसे चींटियां काटते हैं और बहुत तकलीफ होती है। नमला माने चींटी एंड, और फीमेल को हरकीज बोलते हैं, हरकीज वो नमला की बीमारी होती है। छोटी छोटी भूसे होती बच्चों को आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को ऐसा लगता है आदमी को ऐसा लगता है चूतिया काट दी। तो नमला क्या कर दिया, ये कौन करती थी, हजरत शफा रजी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा ऐ शफा वो जो हरपीस की जो मंत्र है उसका वो हफ्सा को सिखा। तो क्या कहना, कैसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ, अगर उसमें कुछ है ऐसा शिर किया तो उसको करेक्ट कर दीजिए। उसमें जाते कैसे है الأرز تنتعل وتختز وتقتحل وكل شيء تفتعل إلا أنه لا تعصر دلهن دلهن جوتا پہلے چپل پہلے مہدی لگا لے سرما لگا لے الأرز تنتعل وتختز وتقتحل سرما لگا لے مہدی لگا لے चप्पल पहन ले वो कुल शहीद तख्ता है, हर चीज करे सवाय शौहर की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी न करे। ये पढ़कर के चुप कर देती थी तो वो कहते तो हर चीज वो दूर हो जाती थी। तो इसके अंदर कोई शिरकिया चीज नहीं है, ज्यादा वो पढ़ने की इजाजत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। लेकिन ये नादे अली जिसके पढ़ने का मुकर्रर ने जहाज पेश किया है ये तो उनकी शिरकिया है। मुसीबत में